युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 95 खेला जाएगा चोला वीरांस वर्सेस विजयनगर वीर्स के बीच में। दोनों टीम्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, एक एक प्लेयर के बारे में, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो इस मैच में आप जबरदस्त विनिंग कर जाओगे, लेकिन अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो फिर भाई उसमें आपका ही लॉस है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर दोनों टीम्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर चोला वीरांस और विजयनगर वीर्स, इनकी अगर पॉइंट्स टेबल में पोजीशन देखेंगे तो देखिए चोला वीरांस नंबर 7 की पोजीशन पर है। 5 मैच में से 2 मैच जीते, 3 मैच हारे, लेकिन स्कोर डिफरेंस आप देखिए, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये चीज़ ये दिखाता है कि इन्होंने कितने मार्जिन से मैच जीते, कितने मार्जिन से मैच हारे। यानी कि भाई इन्होंने टोटल जो पॉइंट कमाए हैं वो -22 कमाए हैं, यानी कि भाई टोटल इनके सामने जो टीम खेली थी उन्होंने इनसे 22 ज़्यादा पॉइंट कमाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल 13 पॉइंट है। वही अगर आप देखोगे विजयनगर वीर्स, 5 मैच में से 2 मैच जीते, 3 मैच आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर +13 का स्कोर डिफरेंस, यानी कि इन्होंने 2 मैच में ही उतने पॉइंट कमा लिए जितने इनके सामने 3 मैच जो जीत के गई है टीम उन्होंने भी नहीं कमाए, ठीक है। तो 13 पॉइंट के प्लस के स्कोर डिफरेंस के साथ यहाँ पर 19 पॉइंट के साथ नंबर 5 की पोजीशन पर टीम बनी हुई है। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 वगैरह की, लेकिन उससे पहले आज के मैच की बात करें, उससे पहले भाई देखो जो कल के मैच थे उनके रिजल्ट आप लोगों के सामने, जबरदस्त तरीके से आप लोगों को विनिंग करवाई थी सिंगल हैंडेडली। यहाँ पर भाई कोई भी अगर आपके आसपास भी हो तो बता दीजिएगा, सिंगल हैंडेडली आप लोगों को विनिंग करवाई थी, ठीक है। और आज के मैचेज में भाई ऐसी विनिंग करवाने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी के अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा। बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए भाई अब बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 के बारे में, तो स्टार्ट करें भाई यहाँ पर चोला वीरांस से। तो गौतम मुर्गुन आपको खेलते नजर आएंगे, लास्ट मैच में फिर से फ्लोप रहा अरावली एरोज के सामने। उससे पहले भाई यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के सामने इन्होंने 2 टैकल पॉइंट निकाले थे। उससे पहले आप देखो तो उससे पहले वाले मैच में यहाँ पर सिंध सोनिक्स के सामने भी 2 टैकल पॉइंट निकाल कर आ रहा है। इसके अलावा अंजा पुली की बात करेंगे, लास्ट मैच में भाई इन्होंने 3 टैकल पॉइंट निकाले थे। वही अगर आप देखोगे तो भाई एस मुर्गुन आपको खेलता नजर आएगा, सरन मुर्गुन, जो कि लास्ट मैच में 3 टैकल पॉइंट निकाल कर आ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों, सरन मुर्गुन और अंजा पुली, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस मैच में सरन मुर्गुन फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। पेरूमल की बात करें तो देखो एवरेज रहा था, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं, 2 टैकल इन्होंने निकाले जरूर थे लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा था, बट इस मैच में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर यहाँ पर भाई रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर देखो टी मुर्गुन, ये बंदा भाई परफॉर्मेंस देने में पीछे हट ही नहीं रहा। यहाँ पर देखो फिर से भाई इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इनके साथ साथ एम शक्तिवेल, ये भी भाई एवरेज एवरेज चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। 4 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, यार मेरे को उम्मीद है एम शक्तिवेल से एक बड़ी परफॉर्मेंस की, एक मैच में जीएल जरूर विन करवाए कम से कम हमें, ठीक है। अब देखते वो मैच कब आता है कब नहीं आता, बट हाँ अच्छा प्लेयर है, कभी भी चल सकता है, तो इसे आप जीएल मिनी जीएल में तो 100% बैक करिएगा, ठीक है। बात करेंगे भाई यहाँ पर सामने वाली टीम की, यानी कि विजयनगर वीर्स की, तो इनकी तरफ से देखिए एस नाडी गुडी, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई हर एक मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर है, ज़रूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक करके चलिएगा। ए कुमार सनेम, यानी कि अरुण कुमार सनेम की बात करेंगे, इन्हें भी आप जीएल मिनी जीएल में ज़रूर से बैक कर सकते हो। लास्ट के 3-4 मैच आप निकाल दीजिए, 3 मैच निकाल दीजिए, उससे पहले आप कंटिन्यू देखिए, एक सिंगल मैच ऐसा नहीं है जिसमें ये बंदा ड्रीम टीम में ना आया हो। वहीं अगर बात करें तो एस तेजावत, बंदा डिफेंस करता है वैसे ऑलराउंडर सेक्शन, मेन काम डिफेंस का है, और आपके लिए एक डिसेंट पिक भी रहेगा, ज़रूर से ज़रूर आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेयर है, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। बाकी यहाँ से अगर बात करें रेडिंग सेक्शन की, तो गल्ला राजू अगेन आपके लिए एक ऐसा प्लेयर जो लगातार आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी में भी रहेगा। 5 टच पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाला हुआ है। एस मंचाला की बात करें, अगेन आपके लिए डिसेंट परफॉर्मर रहेगा, 4 टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले। एस बानोटू की बात करें तो ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, इन्हें भी आप बैक कर सकते हो। बट गणेश रामावत,
आज से 5-6 मैच पहले जब ये खेल रहा था ना, मैंने क्लियरली बोला था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ शायद सिंध सोनिक्स के अगेंस्ट में वो मैच था, ये वाला मैच रहा ना भाई। इस मैच के बाद मैंने बोला था कि ये आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद से भाई आप देख लीजिए यहाँ पर तड़ोबा टाइगर्स के सामने थोड़ा एवरेज रहा, अदरवाइज यहाँ पर देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एक अरावली एरोज के सामने थोड़ा फ्लॉप रहा है, अदरवाइज कंटिन्यू जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, और इस मैच में भी आपके लिए अच्छा कर सकता है। हम्पी हीरोज के सामने भी इन्होंने सुपर 10 लगाया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए आपको टीम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी के लिए मैं थोड़ा सा फेवर करूंगा विजयनगर वीर्स को, बट चोला वीरांस के भी 3 प्लेयर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो तीनों के तीनों डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट डिफरेंशियल में जाना चाहूंगा, और यहां से मैं अपनी टीम में एस मुर्गुन को ले रहा हूं, और यहां से अंजपल्ली को अपनी टीम में रख रहा हूं। ऑलराउंडर सेक्शन में तेजावत को रखेंगे, रेडिंग सेक्शन में गल्ला राजू को टीम में रखेंगे। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहां पर टीम मुर्गुन को टीम में रखेंगे, और यहां पर अगर आप देखोगे टीम का प्रिव्यू तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब आप जिस भी टीम का 2 रेडर लेना चाहो उस टीम में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अगर चोला वीरांस के लेने चाहो तो इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करो, अगर विजयनगर वीर्स के लेने चाहो तो भाई इन दोनों में से किसी को ड्रॉप कर दो, ठीक है। सीवीसी की बात कर लेते हैं। अब कैप्टनसी भाई यहाँ से अभी के लिए मैं देने वाला हूँ टीम मुर्गुन को। वीसी की अगर बात करें तो वीसी मैं देने वाला हूँ भाई एस तेजावत को, ठीक है। तो टीम के प्रीव्यू की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम रहेगी, बट फिर भी अगर कोई चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी वीडियो को यार लाइक करके जाइएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।